Thank you. Honorable Member Sri Janardhan Singh. सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने एक ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे बोलने का अनुमति प्रदान किया है। सभापति महोदय, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और देश के माननीय विधि मंत्री माननीय श्री अर्जुन लाल मेघवाल जी के प्रति भी आभार और धन्यवाद करता हूं कि आप एक से एक ऐसे कानून ला रहे हैं जिससे देश का सीधे सीधे वास्ता है और उससे देश का कल्याण हो रहा है। इसके पहले आपने नारी शक्ति बंधन कानून लाया जिससे देश के नारियों में एक उत्साह का वातावरण जागृत हुआ है और वह अपने कानून के माध्यम से हर दिशा तलाशने का काम कर रही और देख रही है। और आपने ऐसा ही यह कानून लाया अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023, जिसका मैं हृदय के गहराइयों से समर्थन करता हूं। इसका मैं आपके आगे मैं बताना चाहता हूं कि राज्यसभा में 1 अगस्त 2023 को यह प्रस्तुत किया गया था। विधेयक का आशय सभी प्रचलित कानूनों या अपनी उपयोगिता को खो चुके स्वतंत्रता पूर्व अधिनियमों को निरस्त करने की सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करना और विधि व्यवसायी अधिनियम 1879 को निरस्त करना है। सभापति महोदय, यह कानून ने कोई आज नहीं, यह भारत में प्राचीन भारत में भी विधि व्यवस्था थी और जब उस समय जब यह कानून था तो छोटे छोटे समूहों में रहने वाले लोग अपने समूहों के जन जातियों के मुखिया सभी सदस्यों के समक्ष खुले आसमान के सामने वह अपना निर्णय सुनाते थे और उस समय उनको अलग अलग तरीके से कठोर निर्णय देकर के उसको दंडित करने का काम करते थे। और यह उसके बाद जब राज सत्ता की स्थापना हुई तो राजालोक अपने धर्मगुरुओं और बुद्धिमान दरबारियों की मदद से न्याय देने का काम करते थे। और यह लगातार चलते चलते जब स्वतंत्रता पूर्व विधि व्यवस्था ब्रिटिश काल के दौरान भारत में एक मॉडल विधि प्रणाली विकसित की गई और ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 ने क्राउन को लेटर्स पेटेंट द्वारा भारत में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया और इन लेटर्स पेटेंट्स ने उच्च न्यायालय को अधिवक्ताओं और न्यायविदों के नामांकन हेतु नियम बनाने के लिए प्राधिकृत किया और सशक्त बनाने का काम किया। सभापति महोदय, फिर उसके आगे अगर हम आते हैं तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जस्टिस से एसआर दास की अध्यक्षता में अखिल भारतीय बार समिति का गठन किया गया और समिति ने अपनी रिपोर्ट में अखिल भारतीय बार काउंसिल और राज्य बार काउंसिल की स्थापना करने की सिफारिश की। समिति ने बार काउंसिल में अधिवक्ताओं के नामांकन, निलंबन या उसके सदस्यता रद्द किए जाने की शक्तियों की सिफारिश की। समिति ने यह सिफारिश भी की कि गैर स्नातक प्लीडर्स और मुख्तारों की आगे कोई भर्ती न की जाए। केंद्र सरकार ने वर्ष 1961 में अधिवक्ता अधिनियम लागू किया। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। इस अधिनियम से पूरे भारत में विधि व्यवस्था के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस अधिनियम ने अखिल भारतीय स्तर पर विधि व्यवस्था की उपयोगिता और गरिमा कायम की। अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि अधिनियम विधि व्यवसायियों से संबंधित विधि में संशोधन करने के अतिरिक्त उसे समेकित भी करता है। सभापति महोदय, हमें यहाँ दलालों के बारे में बात करते हैं अगर, और इसे विधि व्यवसायी अधिनियम 1879 की धारा 36 दलालों की सूची बनाने और प्रकाशित करने की शक्ति से संबंधित है। सभापति महोदय, प्रत्येक उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट तथा प्रत्येक राजस्व अधिकारी जो जिले के कलेक्टर के श्रेणी से नीचे का नहीं हो, प्रत्येक प्रेसिडेंसी को यह अधिकार दिया गया और इसका हमें लगता है कि उन दलालों के ऊपर कार्रवाई करने, उनको दंडित करने, आर्थिक
या फिर उनको जेल देने का उसको नियम बनाया गया है। सभापति महोदय, मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूं कि अभी सदन में ही हमारे कुछ मित्र कह रहे थे कि सदन का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, इस सदन का माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सदुपयोग किया जा रहा है, देश के 144 करोड़ के हित लोगों के हितों में, कि हर एक ऐसे कानून और कठोर और सही कानून बना करके उनको इसका लाभ मिल सके। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई यह सदन के माध्यम से और कानून के माध्यम से किया जा रहा है। न्यायपालिका की एक के लिए नहीं, न्यायपालिका सबके लिए है। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि न्यायपालिका सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, न्यायपालिका सबके लिए है सभापति महोदय। और कानून की जानकारी होना सबके लिए आवश्यक है, और कानून की जानकारी होगी तो हमें लगता है कि कम से कम गलतियां करेंगे और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। कानून बनाने से ही यह कानून, जो दलालों के खिलाफ कानून आया है, मैं मंत्री जी को फिर बधाई दूंगा कि यह बनते ही ऐसे दलालों पर बड़ा अंकुश लगेगा। और इस दलालों का तो बोलबाला, मैं आपको सभापति महोदय मैं अंत में बताना चाहता हूं कि अगर चले जाइए, मैं बिहार से आता हूं, बिहार में आज बालू और दारू का बोलबाला है। इन दलालों का जिस तरीका से बोलबाला वहां चल रहा है, हमारे जिस तरीका से यह सारे व्यवस्था को, वह दारू बंद है लेकिन दारू चल भी रहा है, हजारों लोग ऐसे जहरीली दारू से मर गए लेकिन दारू आज भी बंद नहीं हो रहा, बालू का ओवरलोडिंग हो, बालू का चाहे चलान हो, उस दलालों के माध्यम से खुलेआम चल रहा है, लेकिन आज उस पर अंकुश नहीं लग रहा है। मैं सभापति महोदय, यह लगता है कि यह कानून बनने से उस बिहार में भी दारू और बालू पर अंकुश लग सके। थैंक यू चेयरपर्सन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन ऑन एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023। ऑन बिहाफ ऑफ आवर एसआरसी